कम ऑन कम ऑन, काम करो होर्सी, बेहुदा वहीं खड़े रहो, वहीं रहो, कम ऑन कम ऑन, ओह गॉड, मदद करो प्लीज। अरे बाप रे, क्या यही है वो फ्रैकिंग टर्मिनेटर? Thank you.
समय का सुनहरा चक्र बौनियों का पवित्र सामान है। सिंधु महाकाव्य रामायण कहता है कि 5000 साल पहले बौनियों के राजकुमार राजू ने राक्षसों से लड़ने के लिए देश छोड़ा। जाने से पहले उसने राजकुमार सामा से वादा किया कि वो वापस सुरक्षित आएंगे जब 5 सितारे एक लाइन में होंगे। लेकिन राजू उस दिन ना आ पाया और ये सोचकर के राजू मर गए हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली। राजू जानते थे कि शिव जी रंग बिरंगे धतूरे के फूल पसंद करते हैं। उसने उस पौधे की अच्छी देखभाल की और शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने उसे सोने का समय चक्र दिया जिससे वो किसी भी समय में पहुंच सकते थे और सामा को मरने से बचा सकते थे। तब से सुनहरा समय का चक्र मनुष्यों को विरासत में मिल चुका है। सुनहरा चक्र लोगों को समय की यात्रा पर तभी ले जाता है जब 5 सितारे एक कतार में हों। ऐसे 5 सितारे जो भूत और भविष्य को जोड़ते हैं, लेकिन ये यंत्र केवल 3 बार ही उपयोग किया जा सकता है, उसके बाद वो स्वयं नष्ट हो जाता है। अफवाह ये है कि राजू के अलावा किसी ने इसे एक बार उपयोग किया है, इसीलिए निम राजा को सूचित हो कि अंतिम प्रयास उचित तरीके से करें। वैसे ये है क्या? इसे संस्कृत में लिंग कहते हैं। इसको शिव का जनन अंग माना गया है। ये तो बड़ा विशाल है। सुनहरा चक्र उपयोग करने के लिए तुम्हें ये प्रवेश करवाना होगा और गुप्त मंत्र का उच्चारण करना होगा। क्यों रे जानवर कमीनो, यमराज से कह दो कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। मुझे कैद करना चाहते हो? ये इतना आसान नहीं है। मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो बस घूरने के लिए कर रहा था। राजसी अंगरक्षक, अरे क्या कर रहे हो यार, जल्दी हाथ चलाओ। कर तो रहा हूँ, तुम अपना काम खुद क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, जो कहा है चुपचाप करो। यो करी चिकन अच्छा लगा ना? ये पीना चाहोगे? लो। Oh!
लोग इतने कमजोर क्यों है? मार्शल आर्ट की कुशलता कम हो गई है क्या? मुझे मेरी करी चिकन वापस दो। रुको, रुक जाओ। वाह, ये बंदूक तो बहुत शक्तिशाली है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था नहीं हो, तुम कहां थे अब तक? मैं भूख से मर रहा हूं। ये बहुत मजेदार मैगजीन लग रही है। ए, मैंने अभी इसे पढ़ा नहीं है। मुझे पहले पढ़ने दो। फिर तुम्हारी पहले बारी, तुम्हें छोटों को धमकी देनी चाहिए। अरे इसमें छोटा कोई नहीं होता। अरे सब कहां जा रहे हो? मुझे निकालो। अंगरक्षक, मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स खरीदे, अब मैं ड्रिंक लेकर आती हूँ। आज की रात सब ड्रिंक्स मेरी तरफ से। बहुत अच्छा किया कि उसके पिछवाड़े पर लात मार दी है ना। वो अपने ड्रिंक के पैसे कभी नहीं देता, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सुनो, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। रुक जा। People here are so corrupted. They should be drowned to death. Hey, baba. Aaja. Hum is waqt kahan? Yen Pai Fong. Ye kaun sa saal hai? Aur yahan ka raja kaun hai? Ye kya pooch rahe ho aap? Koi raja nahi ho. Ye 2013 hai. सुनो, तुमने कहा कि तुम मिंग राजवंश से हो ना? मिंग राजवंश के बाद वहां मिंग देश का पतन हो गया। मिंग वंश का पतन हो गया, यानी मैं 400 वर्षों से लगातार सोया हुआ था। युवा राजा ने कुशलता से कार्य नहीं किया और भ्रष्टाचार बढ़ता गया, भारी कर क्रूरता से शोषण किया गया। कुछ ही समय पश्चात विद्रोहियों ने तख्ता पलट दिया, लेकिन राजा बहुत दयालु था, बहुत अच्छा इंसान था वो। मैं अपने देश की रक्षा नहीं कर पाया, मैं दोषी हूँ, मैं बहुत बड़ा दोषी हूँ, बहुत बड़ा दोषी। मुझे तो जाना चाहिए। नमकीन और पत्नी का। उठो उठो, घर में चोर घुस आया है। क्या हुआ? नाश्ता आ गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम वहाँ क्यों चढ़े हो?
क्या किया? तुम्हारे लिए शाही फरमान है। रुक जाओ, मुझे स्पष्ट करने दो। हे यिंग, तुमने जपानी लुटेरों से मिलके हमारे खिलाफ साजिश की। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने मुझे तलवार चलाना सिखाया, अब मैं तुम्हारा एहसान वापस करता हूँ। यिंग, our brotherhood ends here and now. यिंग, तुम राजा के आदेश का विरोध नहीं कर सकते। जो लोग जापानी समुद्री लुटेरों से मिलते हैं, मैं उनसे नफरत करता हूँ। शाही फरमान स्वीकार करो, जो देवताओं के फरमान के समान है। हे यिंग, शाही अंगरक्षक के चौथे रैंक, मेरी उम्मीद को खत्म करने के लिए और जापानी समुद्री लुटेरों के संग साजिश करने वाले तुम पर आरोप है कि कानून मंत्री मास्टर डूस और उसके परिवार के साथ 76 जाने ली, वो भी निर्मम तरीके से। तुम्हें तुरंत पद से हटाया जाता है और पूछताछ के लिए सैनिकों के सुपुर्द किया जाता है। इस काम में किसी ने बाधा डाली तो महाराज खुद उसे सजा देंगे। मैं हमेशा सत्ता के लिए वफादार रहा हूँ, मेरे गुनाहों का सबूत पेश कीजिए। जवाब दो। तुम बागी हो, तुमने ही मुझे लुटेरों से मिलने को मजबूर किया। मक्कार और झूठे हो और मुझे बागी कहते हो। मुझे शहंशाह से मिलना होगा और उनके सामने सच्चाई बयान करनी होगी, खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। ट्रीजन ने तुम्हारे सारे करीबी और परिवार के लोगों को मार डाला है और वहाँ के राजा ने डाओयुन गांव में अपने सैनिक भेजे हैं। शहंशाह इस दुनिया में नहीं, मैं ही यही बेकसूर लोगों को कभी मरने नहीं दे सकता। बस सुरुकी के लिए मुझे माफ करें। और इस तरह से वो बर्फ में दब गए। मैं कुछ भूल रहा हूँ यिंग? जैसे भविष्य में। ए मोटे, मुझे स्लैंडर बुलाओ। हाँ ठीक है ठीक है। क्या है कि मैं थोड़ा सा भ्रमित हो गया था और थोड़ा सा हिंसक भी। चलो माफ किया। लाओबोंग, तुम्हारी मदद के लिए मैं लाओबोंग को बुलाती हूँ। मैं उसके बेटे लूबेल को बुलाती हूँ। तो फिर मैं किसे बुलाऊं? तुम एंडलू को बुलाओ। चलो जल्दी चलो। तुम उसकी तरह छोड़ रहे हो? वो बहुत दयालु है और तुम इस पूरी जगह का इस्तेमाल खुद नहीं कर सकते। तुम उसे रुकने क्यों नहीं देती? क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? वो एक लड़का है, मैं उसे घर में कैसे रुकने को कह सकती हूँ? अंदर। शुक्रिया, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए, लेकिन मैं तुम्हारा कीमती वक्त और बर्बाद नहीं करना चाहता और आपका एहसान भी मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। शुक्रिया इस बेहतरीन खाने के लिए। अलविदा।
यूं क्या तुम जा रहे हो? तुम इस रूप में बाहर कैसे जाओगे? किस रूप में? मतलब जैसे तुम दिख रहे हो। लगता है तुम्हारे घर में आईना नहीं है। टीवी स्टेशन जाओ, एक्टिंग करना तो कास्टिंग डायरेक्टर से मिलो। नौजवान, मैं जरा तुमसे बात करना चाहता हूं। लगता है मार्शल आर्ट सीखना ही पड़ेगा। मार्शल आर्ट सीखना आपके बस की बात है? चल। वे एक बेवकूफ कुत्ते के सर के लिए 50 गुना ज्यादा तक गोली लगाते हैं। मैं रईस हूं। 12 मिलियन यूरो मिस्टर टैंग के खाते में ट्रांसफर करवाओ तुरंत। यस सर। समझे? एक अच्छा साथी बिजनेस चलाने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जब तुम साथ हो तो मुझे थिंक की चिंता नहीं है। बाय द वे, मुझे पूछना था कि वो 3 दर्जन लोग वो जिंदा थे सही? हाँ, वे जिंदा थे। खैर, केम नॉर्थ कोरियन नहीं रह सकेंगे। उनकी किस्मत है कि वो नहीं थे, वो हमेशा जीवित रहने का सोचकर चिंतित हैं। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? The driver couldn't keep his mouth shut. वे तुम्हें बोले थे ना? लेकिन उसने मुझे दुर्घटना के बाद बताया था। केवल वो ही नहीं, उनकी बेबी कभी पीने के बाद। पूछो, पूछो इससे, कितने लोगों को उसके बारे में पता है? पूछो। I'm sorry. तुमने कहा था कि एक अच्छा साथी बिजनेस करने के लिए जरूरी है, इसलिए मुझे थिंक की चिंता नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम ही इसे हल करो। के बाद इसे साफ करो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू बॉस। बहुत अच्छी लग रही है। मस्त है भाई। अरे तेरी तो इसमें आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। आपके लाजवाब खाने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कहा कि आपके साथ किसी ने बुरा सुलूक किया, तो मैं उन हरामजादों को सबक सिखाने आया हूँ। आखिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? हाय बॉस, मैं इसे नहीं जानती। हे, तुमने क्यों मारा? मैंने सिर्फ उनकी नस दबाई। देखो, ये बिल्कुल ठीक है। क्या तुम इसे जानती हो? नहीं, मैं इसे नहीं जानती। कोई बात नहीं, अब तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। मैं यहाँ किसी को भी लड़ते हुए नहीं देखना चाहती। ये विदेशी महिला तुमको डांट क्यों रही थी? वो मेरी बॉस है। चलो, छोड़ दो इन्हें। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरे बाउंसर्स को मारा है,
इससे दिक्कत होती है और ये धंधे के लिए अच्छी बात नहीं है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आखिर ये चाहती क्या? पैसे, बेवकूफ। ये बेवकूफ क्या होता है? प्लीज, मेरी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर लूंगी। सही कहा, ये तुम्हारी ही प्रॉब्लम है। बस आप प्लीज थोड़ा शांत रहेंगी। शांत क्यों रहोगे? शांत कैसी औरत हो तुम? एक औरत होकर इस तरह बात करती हो? ये इतनी अच्छी लड़की है और तुम इसे परेशान कर रही हो? क्यों ऐसा कर रही हो? मैं पैसे देता हूँ तुम्हारे लिए, मैं पैसे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। इससे काम चल जाएगा। ये क्या है, तुम मजाक कर रहे हो? हाँ, पहले कभी देखा नहीं ना? ठीक है, ये लो। उम्मीद है सोना तो देखा ही हो। सर, ये आपका कैश। शुक्रिया दोस्त। यू वेलकम। ये लीजिए। मैं इसे बॉस को दे दूंगी और ये तुम्हारे लिए है। इसे अपने पास सुरक्षित रखना। हांगकांग में बहुत बुरे लोग हैं, वो तुमसे छीन कर ले जाएंगे। तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही पैसा है ना? नहीं, मेरे पास सोना है। क्या? फिकर मत करो, ये देखो। ओह, तुम्हारे पास कितना सोना है, तुम इसे बेच क्यों नहीं देते? तुमने कहा ना हांगकांग में बहुत सारे बुरे लोग हैं। माफ कीजिए, मुझे इसके बदले कुछ पैसे चाहिए। एक मिनट प्लीज। सर, क्या मैं ये आपका जेड पेंडेंट देख सकता हूँ? अगर कल तक 3 महीने का ब्याज सहित पैसा नहीं चुकाया तो अंजाम देख लेना। ये प्राचीन हरा रत्न खूबसूरत और कलात्मक है। ये मिंग साम्राज्य के कलात्मक जेवर है, इसे देखना एक सम्मान है। आप इसे बेच के नहीं देते? इसके लिए आप कितना पे करेंगे? कम ऑन, आप मजाक कर रही हैं मैडम। हमारे जैसे दुकानदार इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। शायद सोथेवी इसको बिकवा सकता है। ये लगभग $10 मिलियन का होगा। क्या, $10 मिलियन? ओह, इसे मैं कभी नहीं बेच सकता। ये हमारे राजा का तोहफा है जो अपनी ईमानदारी के लिए मुझे इनाम के तौर पर दिया गया था। सर, ये लीजिए आपका पैसा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आप समय पर आए। शुक्रिया। क्या यहाँ मुसाफिरों को रहने का इंतजाम है? तुम आखिर होटल में क्यों रहना चाहते हो? हम दोस्त हैं, तुम मेरे साथ रुक सकते हो। मैं भी यही सोच रहा था, मुझे लगा तुम नहीं चाहोगे। हमें कुछ खाने के लिए चाहिए, जल्दी जाओ, जल्दी खाने का इंतजाम करो। साओ, ये पश्चिमी हथियार बहुत शक्तिशाली हैं। हमें दुश्मन से पहले आग लगानी चाहिए और कुछ हमारी क्षमता और दक्षता के साथ हम इसको चकमा नहीं दे सकते हैं अगर ये 3 मीटर से कम दूरी से आए। क्या कहते हो? तो फिर यिंग पर इसका प्रयोग करते हैं। सर, आपकी डिश। ये काफी अच्छी है। चिकन स्पैगेटी। हाँ, क्या? ये स्पैगेटी चिकन करी है। स्पैगेटी चिकन करी? That's right। हाँ, हाँ। ओह, अच्छा है। अब जाओ, इस आदमी को ढूंढो। चलो सब लोग मेरा लगाओ। चलो चलो चलो। आओ दोस्तों, सब आ जाओ। ए, आ जाओ। ओके, ये तुम्हारी सोने की जगह है। हांगकांग में रहने वाले लोग ज्यादा हैं और जगह कम है क्योंकि जमीन बहुत महंगी होती है। 1 रात के 5,000। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं तो अपनी फौज के साथ आसमान के नीचे खुली हवा में सोता था और यहाँ अब तो मेरे सर पर छत भी है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा सोचते हो। चलो मैं घर दिखाती हूँ। ये मेरा कमरा है, तुम अंदर नहीं जा सकते। अच्छा? पर हाँ, सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। टीवी है तो फिल्में देख सकते हो। किसी और चीज की जरूरत है तो मुझे बताना। इधर आओ, इधर आओ। मुझे पता है कि तुम्हें पैसे चाहिए, लेकिन दूर मत जाओ। उसके साथ धोखा मत करो क्योंकि वो मिंग साम्राज्य से है। तुम्हारा ऐसे कोई लेना देना नहीं है। बस तुम्हें आज की रात यहाँ रुकना है। क्या पता वो रात में क्या करेगा, उस पर नजर रखना। ठीक है? तुमने देखा वो? 1 सेकंड के लिए भी नजर मत हटाना। ये कोई आज के जमाने का आधुनिक बाजा लगता है ना? इसकी आवाज तो काफी मधुर लगती है। आहा,
आपने बिल्कुल सही कहा, ये आज के जमाने का है एक इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड। इसमें आपको ये बाजा बजाना आता है? ये सिर्फ एक शोपीस की तरह है, कभी इसे सीखने की कोशिश नहीं की। इतने वक्त के बाद मुझे नहीं लगता मैं इसे प्ले कर पाऊंगी, इसलिए कोशिश नहीं करती। खैर, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं, बस सीखने का जज्बा होना चाहिए। ये नहीं, तुमने कहा था कि ये ट्रक तुम्हें यहाँ लेकर आया। मैंने हर जगह तलाश की मगर मुझे ये समाचार कहीं नहीं मिला। वो क्या होता है? समाचार, हमारी सरकार की सूचना। अच्छा, और ये क्या है? इसे कहते हैं टैबलेट। अपने हाथों से टच करो, ये तुम्हें कुछ भी बता सकता है। क्या एक छोटा सा खिलौना भूत, भविष्य और वर्तमान बता सकता है? ये तो मिंग की पुस्तकालय में है। क्या तुम इसे मेरे लिए चला सकते हो? मुझे कुछ जवाब चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, युआन गांव के लिए कोई एंट्री नहीं। चलो सुनहरा समय चक्र ढूंढते हैं। यिंग, तुम वापस जा सकते हो अगर ये मिल जाए तो। अच्छा ठीक है, ठीक है, सुनहरे समय चक्र में कुछ भी नहीं। यानी वो अब तक दफन है जैसे मैं था, वक्त को खो दिया। कैसा रहेगा अगर तुम्हारा नाम खोजे? ठीक है। तुम ये सब कैसे लिख सकती हो? ये सब बकवास है। मक्कार, यहां जल्दी से इसे पढ़ो। देखो ये यिंग जापानी समुद्री लुटेरों से टकराया था। यांकी साम्राज्य के दूसरे वर्ष उसके परिवार वालों को राजा के द्वारा मार डाला गया। इतिहासकारों ने कहा कि वो तियांकी साम्राज्य का विश्वासघाती अधिकारी था। तो अब हम क्या करें? अंधेरा की गुफा में युफे को चुनवा दिया गया। अजेलिया खून के आंसू रोई, उसके दुख का प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा। सुनो, कहीं ये मुझे तो नहीं मारेगा ना? हाँ? एक लोहार ढूंढो जो इसे बना सके, समझ गए? ठीक है। हे साओ, क्या हथियारा कोई और हो सकता है? नामुमकिन, क्योंकि वहां हम चार थे ड्यूज में। अब क्या बात करें, बोटू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, सबूत एकदम साफ थे। मास्टर टू, आपने हमें किस बात पर चर्चा करने के लिए बुलाया? मुझे एक गुप्तचर के पास से कुछ चिट्ठियों का बंडल मिला जो जापानी समुद्री लुटेरों के लिए था। आदमी में एक जासूस है जो जापानी लुटेरों को सूचना दे रहा है। अगर मुझे पता चला कि वो कौन है तो मैं उसके शरीर के चिट्ठे कर दूंगा। मुझे जापानी से नफरत है। चिट्ठियों में सिग्नेचर नहीं है, पर हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं अगर हम उन घुसपैठियों के सिग्नेचर का मिलान कर लें। ऑफिसर्स, जनरल हेई, सलाम। आइए, क्या कहना चाहते हैं आप? पैसा और खाना जो मंगाया था वो कल भेजा जाएगा तोयंग गांव में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मास्टर टू की फैमिली के 76 लोग मारे गए थे उस रात, और ही यिंग अगली सुबह राजधानी से निकल गया। और चिट्ठियां कहीं नहीं है जो एक सबूत है ना? यिंग, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मेरी स्पेगेटी चिकन करी कहाँ है? मिसेस क्वॉक बहुत बिजी हैं। तुम मैसेज या फोन का जवाब नहीं देती, तुम्हारे चेक्स बाउंस होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं माफी चाहती हूं। देखो, मुझे पता है तुम्हें अपनी माँ की फिक्र है, मगर तुम्हें ये तुम्हारे अनुसार करना चाहिए। अगर जरूरत है तो सामाजिक सुरक्षा के लिए करो। पता है कि सारे घर इस क्लास के नहीं हो सकते। मिस्टर हो की फोर्थ पत्नी लास्ट वीक यहाँ आना चाहती थी, लेकिन मैं उन्हें कोई जगह नहीं देता। मैम, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए, ये आखिरी मौका होगा, समझ रही हो तुम? शुक्रिया। मॉम, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। कुछ दिनों से बहुत सर्दी है, आपको ठंड नहीं लग रही? अगर लगे तो मुझे बताइएगा।
मैंने आपका पसंदीदा सूप बनाया है। जब मैं छोटी थी तब आप हमेशा ये बनाती थी, अब आपके लिए मैंने बनाया। अब आराम से गर्म है। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। ओ अच्छा लगा माँ, तुमने अपने बलबूते पर मुझे इतना बड़ा किया, लोगों के कपड़े सीसी कर तुमने अपनी आंखें खो दी, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। समझ में नहीं आता क्या कहूं। ऐसी बातें मत करो। देखो, सभी गांव वालों को और मुझे तुम पर बड़ा गर्व होगा जब भी तुम भविष्य में गृह वापसी तय करोगे। क्या? मैंने नहीं मारा। मॉम, आप बात कर रही हैं? हाँ, तुमने आखिर किया क्या? तुम्हारी माँ को यंग यंग नाम की बीमारी है जिसकी वजह से ये अकेली रहती है। मैंने छोटी सी बाधा थी उसको हटा दिया और अब ये ठीक है। इनका खून अब बिल्कुल सही तरीके से बह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा एहसान रहेगा। मॉम, मैं कौन हूँ आपको याद है ना? नहीं, मुझे सेवन की छोरी याद है। स्वर्ग और चंद्रमा के नाम पे मैं हीन तलवार की कसम खाता हूं, हर कसौटी के बावजूद मैं मिंग साम्राज्य में वापस लौटूंगा टोयान गांव की रक्षा करने के लिए, मेरे पूरे खानदान को कत्लेआम से बचाने के लिए। अगर ये कसम टूट गई तो मैं बुरी से बुरी मौत मरूंगा, मुझे दो गज जमीन नसीब नहीं होगी। क्योंकि मैं तुम्हारी गांव वालों को बचाने की प्रतिज्ञा वाली बात से बहुत प्रभावित हुई, इसलिए इस नुकसान के लिए मैं तुमसे सिर्फ 20,000 लूंगी। मैं इस बात के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम लोग कल सुबह से ही खोजबीन शुरू करेंगे, ठीक है? ठीक है। से खाइए। आपने उस रात क्या देखा? मैंने देखा वो लड़का पेशाब कर रहा था, केवल बहुत दूर नहीं बल्कि बहुत ज्यादा दूर तक कर रहा था। उड़ गया, सामान्य नहीं, बहुत ऊंची उड़ान। से आपने कुछ नहीं देखा? अगर वो दिखता है तो इसे कॉल करना। हाँ, इसे बेकार मत करना, पूरा खाना खत्म करके जाना।
पवित्र भिक्षु ने कहा कि उनका दुर्भाग्य उन्हें घटना की तरफ ले गया। किस तरह का दुर्भाग्य? तुम जिंदा हो, तुम जीते हो और मरते हो और फिर जियोगे। सात दिनों में पांच सितारे एक लाइन में होंगे। तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे। इसका मतलब ये बहुत जल्दी होगा? नहीं 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 नहीं, इसमें बहुत समय लगेगा। ये सात धतुरे के बीज हैं, जो सुनहरे समय के चक्र के साथ विरासत में आए हैं। पवित्र भिक्षु ने तय किया है कि इसे तुम लो। वे भाग्य से तुम्हारे लिए लाए गए हैं। लेकिन शक्तिशाली हो, माउंट शूनी को एक छोटा लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति डगमगाएगा। जब वो सफलता पूर्वक धतूरा फूल उगाएगा, तब तुम कई चमत्कार देखोगे। कारण ही प्रभाव है, प्रभाव ही कारण है। तुम बीज बोगे, तुम फल पाओगे। इसकी वजह से या इसके प्रभाव से, ये सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। तो ये 5400 साल पुराने बीज हैं, ये अभी भी अंकुरित होते हैं? आपने मुझे पहचान लिया? तुम्हें लगा मैं पागल हूँ? अपनी बेटी को नहीं पहचानेंगे? अंकल सेवन, आपका ये पेंडेंट बहुत प्यारा है। जब मैं मरूंगी तो क्या तुम इसे मेरे साथ चला दोगे? वैसे आप बहुत साल जीने वाली हैं। पवित्र भिक्षु ने मुझे कहा था कि मैं सात दुर्घटनाओं को झेलूंगा। मैंने जिंदगी को भी देखा और मौत को भी। मेरे यहाँ होने की कोई ना कोई वजह जरूर है। मुझे जानना है कि मैं कौन से फल पाऊंगा। मुझे ये यकीन है कि ये बीज बहुत जल्दी अंकुरित होंगे। तुम्हें कैसा पता? तुम्हें याद नहीं, तुमने ही तो कहा था कि चमत्कार होते हैं। मजेदार है ये करी चिकन, वाकई मजेदार है। चिकन चिकन कौन सी करी? करी फिश बॉल। करी फिश, करी फिश बॉल, करी फिश बॉल, करी करी फिश बॉल, करी फिश बॉल, करी करी फिश बॉल। Are we anywhere near the brothel yet? What's the hurry? It's been 400 years. You can't understand how that feels. Let's warm up by talking with the girls first. You can do whatever you want in the room later. Hey, these girls. Do they play music and no dance? No music, here? But we can still have fun. I brought your favorites, Tina and Vincy. Hi. Pardon me. Do you have girls with paler, smoother skin? Of course. I'll get you some. You come here. Go look for more. Come sit closer. Hi, gentlemen. They're pale and smooth, right? Gigi, Wenwen, why don't you say hi to the gentlemen? Hi, fellas. Yeah, they are pale and smooth for sure. But I want their waists less wide and more skinny. Sure thing. I'll find a bony one. Oh, wait. She's hot. Gigi, go. Come on. How are you, boss? Oh, good. They call me Gigi. That's nice. Okay. I found the most wanted girls in the entire house for you. This one is Ada, and this is Chick.
Not bad. Say hello. Hello. Good evening. Ah. I'm Ting. I've come from Japan to praise you. Japanese devil. Time to repay our nation. Oh, I hate the Japanese. Stop it. What? Japanese. Calm down. Are you psycho? I'm Chinese. I'm not doing business with you. Wait, who's Sora Aoi? A worldly woman. लेकिन देखो तुम्हें वहाँ फेंकना नहीं है क्या हुआ एक और पहचानने वाले सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं ये नासा ने विकसित किया है CIA भी इसको इस्तेमाल कर रही है ये बहुत महंगी है और हमें अभी फाइनेंस कमेटी का बजट अप्रूवल नहीं मिला है ये सिस्टम बार देता है किसी इंसान का चेहरा मोहरा और अनुपात को 147 डाटा के सेट में विश्लेषण करने के लिए ये सिस्को सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट है हम सारे क्लोज सर्किट कैमराज को ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हैं जो सरकार के अधीन है और 80% या उससे अधिक समानता का मतलब है कि ये जरूर वही आदमी है ये सिस्टम अपने लक्ष्य का पता तुरंत निकाल लेता है गुड मॉर्निंग सर बैठ जाइए इन तीनों को ढूंढिए सर ये सिस्टम केवल उन लोगों के लिए है जो पुलिस की वांटेड लिस्ट में है आपको कैसे पता ये वांटेड लिस्ट में नहीं है क्या वो वांटेड नहीं हो सकते अगर वो लिस्ट में नहीं है आपको सारी इंटरनल इंटेलिजेंस के बारे में जानना चाहिए अब से क्या मैं आपको रिपोर्ट करना शुरू करूं इन लोगों ने हमारे ऑफिसर को मार डाला शिंग वांग को यह हमारी पुलिस फोर्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान है हमें इसे संभालना होगा ओके यस सर सारी सूचना एक साथ दो यस सर मैं यहां नहीं रहना चाहती बस मरने का इंतजार कर रही हूं अब मैं बीमार भी नहीं हूं मैं तुम दोनों को जानती हूं ये अंकल सेवन है मॉम आप बहुत ही अच्छी बच्ची हो पूरी तरह से ठीक नहीं है आप यहीं रहिए मैं ठीक हूँ मेरी देखभाल करने की जरूरत नहीं क्या रोज कोई ना कोई मरता है ये जगह डरावनी है मैं आंखें बंद करती हूँ फिर भी सो नहीं पाती ये क्या कर रहे हो देखते हैं तुम कैसा बर्ताव करती हो अगर तुम यहाँ रहोगी एक अच्छी लड़की की तरह तो मैं को परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं तुम्हें ये दे दूंगा जब तुम ठीक हो जाओगी क्या कहती हो अंकल सेवन तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते मैं एक शाही अंगरक्षक हूँ मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा हाँ मम्मी अंकल सेवन झूठ नहीं बोलते सच बहुत अच्छे तो चलो चलते ओके अंकल सेवन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए ब्रेड डंपलिंग्स बनाएं जैसा तुम कहो अच्छा ठीक से रहना Thank you.
परेशान मत करो, जाओ यहां से। क्या पता चला? सर, अपना टारगेट कैसल पीक रोड के आसपास देखा गया है। Professor Wong. Commissioner. I studied the Ramayana text you mentioned from last time. I just couldn't make any sense of it. Well, it's simple. Shiva is one of the key Hindu deities. They call his penis Linga. Linga represents creativity and the innate power of life. So according to the Ramayana epic that I had referred you to, Shiva copulated with Madhura for 100 years. The deity saw his vigor and intense virility, and suggested that if he similarly fertilized the Ganges, the land around the river would spring to life. As Linga symbolizes holy power, perhaps the golden wheel of time would need to be activated with the Linga in some way, if you can find it. Thank you, Wong. लौटे एक्शन लो। हे, बैंक बोल रहा हूं। मैंने टर्मिनेटर नाम के घोड़े के बारे में सुना है। के मालिक ने कहा था आगे बढ़ जाओ। हे, ये कैश में है ना? ठीक है, हमें इस समय जीतना ही होगा, है ना? हाँ। मुझे बाथरूम में जाना है।
शिट। अरे बाप रे, मेरी जगह गंदगी से भरी है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, इनकी आत्मा को मुक्ति मिले। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, और अगर इनका पुनर्जन्म भी हो तो ये अच्छे कर्म करके उस जन्म में मुक्ति की बात पर बढ़ चले, बढ़ चले, बढ़ चले। हे ईश्वर, मुक्ति दे इन्हें, इन्हें मुक्ति दे, इन्हें मुक्ति दे। ये पेंडेंट तो राजा ने तुम्हें तोहफे में दिया था। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि ये पेंडेंट मैं उसे दे दूंगा। शुक्रिया। जब हम पहली बार हांगकांग आए थे तो हमें बहुत परेशानी हुई थी। जैसे ही मैंने अपनी भाषा में बात की, सब लोग मुझे घूरा करते थे। ये भेदभाव मुझे कभी समझ में नहीं आया। हमारे जमाने में अगर हम दूसरी जबान बोले तो हर चीज के दाम दुगने हो जाते थे। हम लोग अनजान लोगों से डरते हैं। अगर हम किसी अनजान को देख लें तो सब एकजुट हो जाते हैं और उसे भगा देते हैं। यह इंसानी फितरत है। कुछ साल बाद मैंने हांगकांग में रहने वाली विदेशी चीनी होने का नाटक किया। अब इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है। पैसा कमाने के लिए झूठ बोला मैंने। मॉम का इलाज करवाना था। मैं चाहती थी उन्हें एक अच्छी जिंदगी मिले। तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए। जितना तुमसे हो सकता था तुमने किया। तुम्हारी मां जिंदा दिल औरत थी, बिल्कुल पटाखे की था। उनका दिल बच्चे का था। मुझे यकीन है कि मां ऊपर बैठकर भी वो तुम्हारी खुशी की ही कामना करती होंगी। सही काम है। मैं अंकल सेवन हूं। क्या आप चाहती हैं कि आपकी बेटी हमेशा खुश रहे? ऐसे हंसो मत। खुद खड़ी होकर बोलो। मॉम, मैं वादा करती हूं मैं हमेशा खुश रहूंगी। जरा जोर से कहा, ऊपर तक नहीं सुनाई देता उन्हें। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी। न्यूनतम मजदूरी के कार्यान्वयन के बाद से बहुत सारी दुकानों और रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है। कितना कठिन है इन्हें बचाए रखना। मालिक इतनी गहराई से सोच रहे हैं कि हमारे पास सफेद हो गए। हमारे बिना बारह श्रमिकों को नौकरी कहां से मिलेगी?
एक प्रगतिशील समाज में सक्षम लोगों के द्वारा गरीबों की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहिए। बोलो सर। लक्ष्य स्थान विधान परिषद, जो यह काम नहीं कर सकते वो अपने नेटिव प्लेस वापस चले जाए या फिर इसका सामना करें। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, वो मेरा पीछा कर रहा है, बचाओ कोई, देखो मेरे पीछे आ रहा है। आप प्लीज बचाओ। मिस्टर चैंग इंतजार कीजिए, कमिश्नर साहब जल्दी वापस आएंगे। ये कैसी कॉफी है, मेरे लिए स्टारबक्स से कॉफी लाओ और नो फैट होनी चाहिए। जी कृपया ध्यान दें, सभी अधिकारी कृपया एक चीनी आदमी पर ध्यान दें, जो लाल शर्ट और काली जैकेट पहने हैं, वो कंधे तक लंबे बालों वाला औसत तक काठी का है, वो अंतिम बार लेग को बिल्डिंग में देखा गया था, ये आदमी बहुत खतरनाक है, सभी अधिकारी सावधान, जो लाल शर्ट और काली जैकेट पहने हैं, वो कंधे तक लंबे बालों वाला औसत तक काठी का है, वो अंतिम बार लेग को बिल्डिंग में देखा गया था, ये आदमी बहुत खतरनाक है। ऑफिसर जीटो, ये आपने क्या किया? कैसी बात कर रहे हैं? मैंने नहीं किया। ए, मेरी स्टारबक्स कॉफी कहाँ है? कब से इंतजार कर रहा हूं। लगी तो नहीं ना, तो उसी लायक हो। तो मुझे हांगकांग क्यों लेकर आए? नहीं पता तुम क्यों पूछ रहे हो। तो फिर तुम भागे क्यों? तुम खतरनाक और बदमाश देख रहे हो, कोई भी देखकर भाग जाएगा। मेरे सामने बकवास कर रहे हो? नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा, मुझे भगवान से ताकत मिलती है। मैं तुम्हारे सिन्यू स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करूंगा, तुम्हारी नसें कट जाएंगी और हड्डियां टूट जाएंगी, पसलियां पिस जाएंगी, याद रखो तुम्हें सच बोलना ही होगा। चलो तैयार हो जाओ। मुझे मारने के लिए बहुत गेट से गुजरना पड़ेगा तुम्हें। मुझे दर्द कर
कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है। प्रयोग करने के लिए माफी चाहता हूँ गुआंडी। गुआंडी चला गया है तो मुझे यहाँ किसने भेजा? बताओ। किसी ने मुझसे करने को कहा। किसने कहा? मैं नहीं बता सकता, वो मुझे मार डालेंगे। वो डिप्टी कमिश्नर यान लांग है जो स्मगलिंग के धंधे में शामिल है। सर, अब मैं गैजेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। कमिश्नर, कमिश्नर टारगेट का पता चल चुका है। हेडक्वार्टर चलो। कोई मेरी मदद करो। क्या कर रहे हो? कोई मुझे यहां से बाहर निकालो। सुनो सर, सारे बाहर के रास्ते ब्लॉक कर दो, किसी को भी आने जाने मत देना। यस सर। बेवकूफो, मेरा सिर को चलना चाहते हो क्या? क्या हो रहा है? ठीक तो हो? ने मेरा पता क्यों किया? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ तुम दोनों को यहाँ बुलाने के लिए जिम्मेदार हूँ। पता अभी और दो हैं? हाँ, वो भी तुम्हारे जैसे ही दिखते हैं। फिलहाल वो कहाँ है? समय का स्वर्ण चक्र कहाँ है? तुम्हारा मतलब सिंधु तश्तरी से है? तीस मिनट का निकास बंद है। कमिश्नर, उसने टैंक को बंधक बना रखा है। हम लोग अंदर नहीं जा सकते। बेवकूफ, क्या तुम कल पैदा हुए थे? मूर्खो, क्या तुम लोग कल पैदा हुए थे? उसने तुमसे क्या पूछा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। तुमने कहा कुछ नहीं, तुम्हें पूरा यकीन है? किसी ने इसे देखा है? नहीं, उधर उधर जाओ। अरे सुनिए, क्या कोई इस हीरो को जानता है? मैंने इससे उधार लिया था, वापस करना चाहता हूँ। जो इसे ढूंढेगा उसे मैं 10,000 रुपए दूंगा। कर्ज में मुझे नींद नहीं आती। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इसकी बात पर। आप करती है? अरे ये तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड जैसा लग रहा है ना। मुझे देखने दो जरा। नशे में हो तुम? ऐसी बातों पे मजाक मत करो। ये है वो? हाँ, यही तो है। उसके जैसा नहीं है। लगता है तुम नशे में हो। हाँ,
पीजिए। क्या ये फोन तुम्हारा है? ठीक है, आराम से बदल जाओ, मेरा फोन वापस दो। क्या ये तुम्हारा है? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी? बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें। ये आखिर तुम आ ही गए। रुक जाओ। Thank you.
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो उसे मार ही डाला था। ये एक नई खोज है। मेरे साहब का भाई से क्या रिश्ता है? मैं इसे नहीं जानती। मैंने बस इसे बेहोश देखा और यहाँ पर ले आई। सड़क पर पड़ा था। इस केस पर ध्यान देना। आप आइए, मुझे कुछ जानकारी लिखनी है। जरूर। सर, टारगेट मिल गया। परफेक्ट मैच है। इन दोनों को हुआ क्या है? बुखार या हाइपोथर्मिया? अभी तो बुखार है, आगे हाइपोथर्मिया। खून की जांच भी हैरान करने वाली है। एपिडेमिक के एंटीबॉडीज गायब है। पिछले कुछ 100 सालों में हुआ है, जैसे कि कोई परग्रही हो। अच्छा सुनो नर्स, इन्हें एंटीबायोटिक्स के हाई डोज का इंजेक्शन देना पड़ेगा। अगर साइड इफेक्ट हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है डॉक्टर, एक बात बताइए, वैंकोमाइसिन बोला है, कहीं ये स्ट्रॉन्ग ना हो जाए? पर क्या कर सकते हैं, इन्हें सॉल्स जैसी भयंकर बीमारी जो हुई है, और इसके अलावा और कोई डोज काम भी नहीं कर सकता। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या आपने मेरे भाई को बचाया? लेकिन तुम्हारा भाई कौन है? जिसको मैंने अभी यहाँ भेजा था। अगर वो नहीं बच पाया तो मैं तुम्हें भी नहीं बचा पाऊंगा। पहले अपना हाथ हटाओ। यहाँ कोई मरने के लिए नहीं आता। सारे मरीज एक जैसे हैं हमारे लिए। हम सबका ख्याल रखते हैं और सबकी जिंदगी कीमती है, समझे? डॉक्टर शांत, आप अपना काम देखिए। डॉक्टर, मेरा भाई नींद से कब जागेगा? 1 घंटे के बाद। एक बाइट ले लो, बीफ है इसके अंदर। यहां पर खाना मना है, और तुम या तो यहां से दफा हो जाओ या चुपचाप बैठकर इंतजार करो। कोई आवाज नहीं निकलेगी तुम्हारे मुंह से, समझे? ओके, यू आर वेलकम। यू आर वेलकम। ओके, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अपना काम करो। अपना अपना काम कीजिए। Yes, वो मरीज जा गए हैं, ट्रैंक्विलाइजर दे दो। ओ, ठीक है, काम खत्म ही नहीं होता। उठो, उठ जाओ, प्लीज जल्दी से उठ जाओ, जल्दी करो, उठो। पानी, मुझे पानी दो, जल्दी जल्दी लाओ। हाँ सर, यही वो दोनों घायल। ये बहुत खतरनाक मुजरिम है, इसे साथ ले जाना होगा। यस सर। और इस वाले को? ये गैर कानूनी रूप से घुसपैठिया है, और इस पर कड़ी नजर रखना। यस सर। उठो, उठ जाओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी उठो। हॉस्पिटल से एक मुजरिम को ले जा रहा हूं। ही इनके साथ वाली लड़की यहां है, वो भी यही होगा। ओ, तुम जाग चुके? ये दूसरा वाला कहां है? इसे तुरंत ताकत कैसे दी जाए? जल्दी सोना, जल्दी जागना, नियम से खाना और ज्यादा पानी पीना। क्यों पूछ रही हो, वो बताओ। इसे एड्रेनालिन का इंजेक्शन दो। वैसे ये है क्या?
इसे संस्कृत में लिंग कहते हैं। इसको शिव का जनन अंग माना गया है। सुनहरा चक्र उपयोग करने के लिए तुम्हें यह लिंग प्रवेश करवाना होगा और गुप्त मंत्र का उच्चारण करना होगा। सुनहरा चक्र केवल राजा मिंग को ही समर्पित है। किसी और को ये राज नहीं बताया जा सकता। क्या तुम ये वादा कर सकते हो? तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी कसम खाकर कहता हूं, मैं इस मंत्र का प्रयोग किसी के सामने नहीं करूंगा। इसे हटाओ मेरे सामने से। लिंग कहां है? लिंग वो तो पुलिस ले गई। चलो चलो। ओ ओ हमें मिल गया है। देखो वहां हो कमिश्नर, टारगेट अस्पताल से निकल चुका है। स्वेन वॉन वेस्ट की ओर दौड़ते हैं। करो, मैं पहुंच रहा हूं। और कितना वक्त लगेगा? तुम जानते हो क्या कर रहे हो? न्यू बकवास मत करो, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। Come on!
तुम्हारे हाथ को चोट पहुंचा दी, क्या तुम अभी भी लड़ सकते हो? चलो शुरू हो जाओ। Yeah!
जिंदा है। मेरे पास एक खुफिया विभाग है और कुछ पत्र जब्त किए हैं जो जापानी लुटेरों को लिखे गए हैं। सेना में जरूर कोई जासूस है जो जापानी लुटेरों को खुफिया जानकारी बेच रहा है। तुमने जानवीन को क्यों मारा? तुमने ये न्याय को क्यों मारा? नहीं हो साओ, तुमने जापानी लुटेरों से साजिश रची, अब हमारा क्या होगा? हमेशा सत्ता के लिए वफादार रहा हूं, मेरे गुनाहों का सबूत पेश कीजिए। हम जानते हैं कि तुमने यी यान को मारा है, अपने हथियार का इस्तेमाल किया। तुमने ना सिर्फ हमारे देश के साथ विश्वासघात किया है बल्कि हमारे भाईचारे को भी धोखा दिया है। हम सारी जिंदगी कितने अच्छे दोस्त रहे हैं, यकीन नहीं होता तुम हमारे लिए कितने अजनबी हो गए। युलोंग यहां। हे यिंग। जी सर। ये Build up power deep in your abdomen. Fire! Henceforth, let it be known, we are the capital's long-range pissers! Right! Who could argue? And her finest warriors as well. हम चले भाई। हाँ चलो चलो। Oh,
वाकई में टाइम मशीन है तो तुम और मैं पहले जाएंगे, लेकिन क्या यह इतिहास बदल देगी? अगर हम वापस मिंग साम्राज्य में जाएं तो क्या वही मिंग साम्राज्य होगा जिसे हम जानते हैं? This movie is encoded by Dr. Star. This movie is encoded by Dr. Star.